आज हम सभी इंडियंस के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि इंडिया वैक्सीन कब बनाएगा, इंडिया वैक्सीन कब बनाएगा, हमारा देश वैक्सीन कब बनाएगा। और आज वो अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको आज उन्होंने बनाया है और ह्यूमन ट्रायल्स के लिए बहुत जल्दी ये जाने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा एंड तक देखिए सब कुछ जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ये वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन कब ट्रायल इसका जो है स्टार्ट होगा इंडिया में, इंडिया में कहाँ कहाँ ये वैक्सीन ट्रायल होगा, ये कैसे वायरस पे काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि किस कंपनी ने इसको बनाया है। तो हैदराबाद की जो बेस्ट एक फार्माक्यूटिकल कंपनी है भारत बायोटेक, उसने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च एंड NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। और आज DCGI मीन्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है और कह दिया है कंपनी को कि आप ह्यूमन ट्रायल को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको उन्होंने स्पेशल परमिशन दिया है कि आप एक साथ इनिशिएट कर सकते हैं इसको फेज 1 एंड फेज 2। जी हाँ, इसको सिर्फ फेज 1 नहीं, बस इसका फेज 1 एंड फेज 2 दोनों स्टार्ट करने का परमिशन मिल गया है ड्रग कंपनी को। और बात करते हैं कि इसका ट्रायल जो है इंडिया में कहाँ होगा और कितना इफेक्टिव होगा, क्या होगा। तो मैं बता दूं कि इफेक्टिवनेस का कोई भी अभी डाटा नहीं दिया गया, बट हाँ जो इसका प्री क्लिनिकल जो डाटा है वो बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से इसको परमिशन मिला है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। तो जुलाई में इसका जो फेज 1 है और फेज 2 है ऑल ओवर इंडिया इसको परफॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद ही डाटा आएगा कि ये कितना इफेक्टिव है, इसकी प्राइस जो है क्या होगी एंड ये कैसे वायरस पे काम करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।